सोचिए कि आज आपका जन्मदिन है और आपकी मम्मी ने आपका पसंदीदा चटपटा खाना बनाया है। आप खुशी से जैसे ही खाना मुंह में डालते हैं, आपको एहसास होता है कि आपके मुंह में तो छाले पड़े हैं। हो सकता है कि ऐसा सोच के ही आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन हमारे मुंह में ये दर्द देने वाले छाले तो अक्सर ही पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? छालों को एक्थोस अल्सर भी कहा जाता है और ये सामान्यतः गोल या अंडाकार होते हैं। आप जब भी कुछ खाने की कोशिश करते हैं तो ये छाले दर्द और जलन पैदा करते हैं। ये छाले तीन प्रकार के होते हैं, छोटे, बड़े और हर्पेटिफॉर्म। छोटे छाले गोल या अंडाकार होते हैं और इनके किनारे लाल होते हैं। ये एक से दो हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं। बड़े छाले गहरे होते हैं, ये सामान्यतः गोल होते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े होने पर इनका आकार अनियमित हो जाता है। ये बहुत दर्द देते हैं और ठीक होने में करीब 6 हफ्ते तक का समय ले सकते हैं। हर्पेटिफॉर्म के छाले अक्सर बुजुर्गों में होते हैं। ये आकार में बहुत छोटे और 10 से 100 के समूह में होते हैं। इन्हें ठीक होने में लगभग 2 हफ्तों का समय लगता है। इनके प्रकारों के बारे में जानने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये छाले निकलते ही क्यों हैं? छालों के निकलने का सबसे सामान्य कारण है मुंह का कोई छोटा घाव जो दांतों के तार, ज्यादा जोर से ब्रश करने या दांतों से कट जाने से होता है। विटामिन B12, जिंक, फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम की कमी से भी छाले होते हैं। खाने की कुछ खास चीजें जो आपके शरीर को सूट नहीं करती वो भी छालों का कारण हो सकती हैं। तीखे और अम्लीय भोजन से भी छाले होते हैं। कुछ टूथपेस्ट और माउथ वॉश जिनमें सोडियम लॉरल सल्फेट नामक रसायन पाया जाता है वो भी छालों की वजह हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया और स्ट्रेस की वजह से भी छाले होते हैं। पेट की बीमारियाँ, बेसेट्स डिजीज, आंतों की गंभीर बीमारियाँ, यहाँ तक कि कमजोर इम्यून सिस्टम से भी छाले होते हैं। वैसे तो छाले होना कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन ये लंबे समय तक ठीक ना हो तो आपको भोजन करने में कठिनाई होगी, जिससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको इलाज के लिए जरूर जाना चाहिए, लेकिन बचाव उपचार से ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए जानते हैं कि आप छालों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे खाने से दूर रहें जो आपको सूट ना करता हो। अम्लीय, तीखा और ज्यादा नमक का खाना भी ना खाएं। आराम से व नियमित रूप से ब्रश करें, जिससे मुंह में छाले पैदा करने वाले बैक्टीरिया नियमित रूप से साफ होते रहें। अपना टूथपेस्ट और माउथ वॉश चुनते समय सावधानी बरतें। शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व लें और अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। इन सभी बातों को माने और छालों से दूर रहें। ये वीडियो हमने अपने एक सब्सक्राइबर के सुझाव पर बनाया है। अगर आपके पास भी हमारे लिए कोई सुझाव या प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।